हेलो गाइज, वेलकम टू अभिनव क्लासेस। माय नेम इज मनु कुमार, आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, तो मेरे वीडियो को देखने के बाद मेरे वीडियो को लाइक और मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो कि आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्टेंस आर एट पॉइंट चार्ज, यदि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का वैल्यू क्या होता है, यह आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लेते हैं इसको हम देखेंगे, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्टेंस आर एट पॉइंट चार्ज। और मान लेते हैं सपोर्ट एट प्लस, कोई मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है और उस प्लस क्यू चार्ज से आर दूरी पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट को हम विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यह आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या मानेंगे, मान लेते हैं सपोर्ट एट यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्या है कोई प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज से आर दूरी पर, यानी यहां से लेकिन यहां तक क्या दूरी है, डिस्टेंस आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, क्या है कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, और यहां पर इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र को तीव्रता का वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ पर अनंत पर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है अनंत पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और इस अनंत से क्या करेंगे पॉइंट पी पर खींच कर लाएंगे। जब इस टेस्ट चार्ज को अनंत से किसी पॉइंट पी पर लाएंगे तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर अनंत से किसी पॉइंट पी पर लाने में हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा, यानी टेस्ट चार्ज को यहाँ से यानी अनंत पॉइंट से पॉइंट पी पर लाने में हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। जब वर्क करेंगे तो वर्क के साथ क्या होगा, कुछ फोर्स लगेगा और फोर्स के साथ कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है F यानी फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट। यानी जब किसी अनंत से किसी पॉइंट को हम खींच के लाएंगे तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ फोर्स लगेगा और फोर्स के साथ उस पॉइंट से खींच के लाएंगे यानी वहां से यहाँ तक पॉइंट पी तक कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा यानी आर होगा। तो देखिए यहाँ पर इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट तक खींच के लाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर यह पॉइंट आया, कहाँ पर आया यहाँ पर आया। अब पूछ रहा है बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू क्या होता है, कैसे निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, माना कि प्लस क्यू आवेश कोई बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश से आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। अब देखिए यहां पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, माना कि प्लस क्यू, यहाँ पर हम मान लिया है क्या है कोई प्लस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश से कितना दूरी है, यानी प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर यानी पॉइंट पी पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर कैसे निकालते हैं, अब लिखेंगे माना कि प्लस क्यू आवेश के कारण माना कि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर बिंदु पी पर लगने वाला बल। अब देखिए यहां पर बल कितना लगेगा, यानी इसको हम कूलाम बल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कूलाम बल भी बोल सकते हैं कूलाम बल। अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कूलाम बल बताए थे क्या होता था, यानी एफ सी बराबर क्या बताए थे Q1 Q2 बटा क्या होता था R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम बता चुके हैं।
और आप लोगों को शायद ये फॉर्मूला पता होगा कूलम्स लॉ का। और देखिए यहाँ पर हमको कूलम्ब बल निकालना है, तो देखिए यहाँ पर एफ बराबर, एफ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला कूलम्ब बल का, के, और क्यू वन यहाँ पर क्या है चार्ज क्यू, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे क्यू, और यहाँ पर क्यू टू के जगह पर चार्ज क्या है क्यू नोट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे क्यू नोट, और बाटा क्या होता है आर स्क्वायर, इतना तो हम जानते हैं। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए यहां पर माना कि प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। अब हमको विद्युत क्षेत्र का वैल्यू निकालना है, कहां पर, पॉइंट पी पर। अब विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, यहां पर तो फोर्स निकाल लिए, लेकिन अब विद्युत क्षेत्र पॉइंट पी पर कैसे निकालेंगे। अब हम जानते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स बटा क्या होता है टेस्ट चार्ज, यानी लगने वाला विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो क्या जानते हैं, एफ बटा क्यू नोट, इतना तो हम जान चुके हैं। और इसको इक्वेशन टू मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण टू में वन का मान पुट करने पर अब देखिए यहां पर समीकरण टू क्या है, E बराबर, अब देखिए यहां पर F का वैल्यू कितना आया हुआ है, F का वैल्यू K Q नोट बटा R स्क्वायर, तो F की जगह पर क्या पुट कर देंगे K Q Q नोट और बटा क्या हो जाएगा R स्क्वायर, और यहां पर बटा में क्या है Q नोट, तो Q नोट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर पटने वाले कौन सा है, देखिए Q नोट से Q नोट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर क्या बच जाएगा, E बराबर हो जाएगा के क्यू अब बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इतना तो हम जान गए, यानी फॉर्मूला कितना आ गया के क्यू बटा आर स्क्वायर, क्या आ गया के क्यू बटा आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर E बराबर, अब देखिए यहां पर K का वैल्यू क्या होता है 1/4πε0 अगुणे Q बटा क्या होता है आर स्क्वायर, इस कॉन्सेप्ट को भी तो हम जान गए, क्योंकि हम जानते हैं कि के का वैल्यू क्या होता है 1/4πε0 और क्यू बटा आर स्क्वायर, इस फॉर्मूला को तो हम सीख गए। अब देखिए यहाँ पर तो आप लोग शायद जान गए हैं, माना कि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, अब यहाँ तक थोड़ा बहुत मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया है बिंदु पी पर, ई बराबर के क्यू और बटा कितना आया हुआ है आर स्क्वायर, इतना आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ई पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका है आर स्क्वायर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बटा आर स्क्वायर का हम ग्राफ खींचते हैं, इसको मान लेते हैं वाई और इसको क्या मान लेते हैं एक्स, और यहाँ पर ओरिजिन मानते हैं, अगर यहाँ पर क्या मानते हैं वो ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस आर के बीच हम ग्राफ खींच रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा ग्राफ होगा, इसको हम बोलते हैं परवलय का, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोलिक। और देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को हम बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो वहां पर डिस्टेंस के मान क्या होगा कम होगा। अब इस ग्राफ में तो हम देख लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को हम बढ़ाएंगे यानी इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस का वैल्यू होता है वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा। अब यहां तो सीख गए। अब देखिए एक इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो कि मान लेते हैं सुपर डेट नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर नोट्स पोस्ट, मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज है, तो हम जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र किधर होता है, हमेशा प्लस क्यू चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी उसके सामने होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है यानी ई इधर की तरफ लगेगा
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू आवेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर मान लेते हैं दूसर का देखिए, मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है, अगर माइनस क्यू चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर की तरफ होगा, माइनस क्यू चार्ज की तरफ होगा, माइनस क्यू चार्ज के तरफ होगा। अगर मान लेते हैं सपोर्टेड, अगर मान लेते हैं सपोर्टेड यहां तक तो माइनस, अगर माइनस चार्ज प्लस क्यू चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिशा में होगा, अगर माइनस क्यू चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जिधर की तरफ माइनस क्यू चार्ज होगा उधर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। अब यहां तक तो सीख गए। अब देखिए मान लेते हैं सपोर्टेड यहां पर कोई पॉइंट हम रख दिए, यहां पर भी कोई पॉइंट हम मान लिए, यहां पर भी कोई पॉइंट हम मान लिए और यहां पर भी कोई पॉइंट मान लिए, और मान लेते हैं इस पॉइंट पर, अब इस पॉइंट पर मान लेते हैं यहां पर डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मान लेते हैं ई वन और इसको मान लेते हैं ई टू, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो यानी डायरेक्शन सेम हो और डायरेक्शन सेम हो तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो क्या होगा। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर ई वन माइनस क्या हो जाएगा ई टू, ई वन माइनस यहां पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहां पर अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो हम क्या कर देते हैं E1 प्लस E2 माने इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाता है। अब देखिए यहां पर सेम डायरेक्शन में जब रहे, जब सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या ई नेट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अगर मान लेते हैं सपोर्टेड कोई अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, चौथा एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं यहां पर कोई अपोजिट डायरेक्शन, ये क्या हो गया अपोजिट डायरेक्शन, इसको मान लेते हैं ई टू और इसको मान लेते हैं ई वन, इसको मान लेते हैं ई वन और इसको मान लेते हैं ई टू, ये क्या हो गया अपोजिट डायरेक्शन हो गया। एक ऐसा डायरेक्शन से सेम डायरेक्शन से, जब सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी ई नेट का वैल्यू पूछता है तो हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को जोड़ देते हैं तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाता है। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन रहता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो यहाँ पर ई नेट बराबर, ई नेट बराबर, ई नेट बराबर ई वन और माइनस क्या हो जाएगा ई टू, यानी ई वन में से ई टू को क्या कर देंगे घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा के लिए हम लोग याद रखेंगे। और देखिए यहाँ पर पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, अगर मान लेते हैं एंगल के फॉर्म में दिया है, मान लेते हैं यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है और यहाँ पर दे दिया है ई वन और यहाँ पर दे दिया है ई टू और E1 और E2 के सापेक्ष में एंगल थीटा बन रहा है तो उस स्थिति में E नेट का वैल्यू क्या होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, यानी E नेट बराबर, E नेट बराबर यहां पर हो जाएगा रूट अंडर E1 के होल स्क्वायर प्लस E2 के होल स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 और क्या हो जाएगा cos थीटा। इस फॉर्मूला की याद करके रखेंगे क्योंकि वेक्टर के कांसेप्ट में हम पढ़ा चुके हैं E नेट बराबर रूट अंडर ई वन के होल स्क्वायर प्लस ई टू के होल स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कॉस थीटा। अगर एंगल दे दिया रहे और ई वन और ई टू का वैल्यू दे दिया रहे और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछता है तो इस फॉर्मूला के अप्लीकेशन के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को तो हम पूरा सीख गए, अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे तब हम लोगों का इस फॉर्मूला का अप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं और देखेंगे न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए हमको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत अति आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम आज देखने वाले हैं। देखिए मान लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट में लेंगे दो कूलम का आवेश तथा चार कूलम के आवेश के दो बिंदु आवेश से, लिखेंगे दो कूलम, कूलम का आवेश, आवेश तथा चार कूलम के आवेश को एक दूसरे से,
एक दूसरे से क्या लिखे हैं, दो गुलाम तथा दो गुलाम का आवेश तथा चार गुलाम के आवेश को एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रख देते हैं 2 मीटर की दूरी पर रख देते हैं तो दोनों के मध्य लगने वाला विद्युत बल के मान क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता। दो कूलाम का आवेश तथा चार कूलाम के आवेश को एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रख देते हैं तो दोनों के मध्य लगने वाला विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के मान क्या होगा। अब देखिए यहां पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान पूछ रहा है तो हम कैसे सोचेंगे इस सवाल पर। यहां पर 2 कूलाम, यहां पर 4 कूलाम का आवेश, तो यहां पर भी 2 कूलाम मान लेंगे और इससे 4 कूलाम, यहां पर भी 4 कूलाम मान लिया और यहां पर क्या मान लिए, 2 कूलाम। और यहां पर मध्य के बीच की दूरी टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, 2 मीटर है, कितना है, 2 मीटर है। और देखिए तो प्लस 2 कूलाम तथा 4 कूलाम के बीचों बीच सेंटर कहां होगा, यहां पर होगा। तो सेंटर से मान लेते हैं यहां से लेकिन यहां तक डिस्टेंस 1 मीटर हो जाएगा क्योंकि यहां पर डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, और यहां से लेकिन यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। और दोनों डिस्टेंस को हम जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहां पर हम निकालते हैं, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, और इस पॉइंट को हम मान सकते हैं E1 और इस पॉइंट को हम मान लेंगे E2 क्योंकि हमको E1 और E2 का वैल्यू को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बिंदु E1 पर लगने वाला, तो यहां पर पहले बिंदु E1 पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हम जानते हैं ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है। तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, यानी एक दूसरे को अपोजिट दिशा में फोर्स क्रिएट करता है, यानी एक दूसरे को अपोजिट दिशा में फोर्स लगाता है, यानी इधर की तरफ इसका फोर्स लगेगा एफ और इसका भी एफ इधर की तरफ लगेगा। तो यहां पर लिखेंगे बिंदु आवेश के कारण E1 पर लगने वाला बल। अब देखिए यहां पर E1 पर लगने वाला बल के वैल्यू क्या होगा, तो यानी F बराबर हम जानते हैं क्या होता है, Q बटा यहां पर, अब देखिए यहां पर Q के जगह पर कितना है, 2 कूलाम है, यानी 2 कूलाम, और यहां पर डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, यानी 1 के होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2K/1 बराबर क्या हो जाएगा, 2K, इतना आ गया। और उसी तरह यहां पर E1 पर तो निकाल दिया, अब क्या निकालेंगे, E2 पर निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बिंदु आवेश के कारण E2 पर लगने वाला बल। अब E2 पर कितना बल लगेगा, अब देखिए यहां पर F बराबर के, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, Q/ क्या होता है, R2, हम यह फॉर्मूला हम जान चुके हैं। और देखिए यहां पर K और यहां पर आवेश का वैल्यू कितना है, 4, और यहां पर डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, यानी 1K होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4K/1 बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, 4K। अब यहां तक तो निकाल लिए, अब देखिए यहां पर अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल देंगे जब अपोजिट डायरेक्शन, अभी हम इस कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं, जब यहां से मान लेते हैं यहां पर कोई प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर भी कोई प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस और प्लस चार्ज रहता है तो यह एक दूसरे को अपोजिट दिशा में फोर्स क्रिएट होता है, वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगा देंगे। जब यहां पर अपोजिट दिशा होगा यानी E1 और यहां पर क्या हो जाएगा, E2, ई नेट निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नेट निकालने के लिए क्या करते हैं, E2 में से
E1 को घटा देते हैं तो आपका क्या मिल जाता है, E net का वैल्यू मिल जाता है। फिर वही कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अब कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं, E नेट बराबर क्या हो जाएगा, E 2 माइनस E1। अब देखिए यहाँ पर E2 का वैल्यू कितना है 4K, माइनस I1 का वैल्यू कितना है 2K। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर 4K में से 2K को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2K हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 2K हो गया, अब हम K का वैल्यू जानते हैं, K का वैल्यू क्या होता है 9×10⁻¹, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2×9×10⁻¹, और यहाँ पर गुणा करेंगे 9 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, और × 10⁻¹ तो क्या हो जाएगा 18×10⁻¹। और जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। आपका यही आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और इस तरह करके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस करते हैं। अब देखिए यहां तक हो गया, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हम देखिए यहां तक तो क्वेश्चंस, तो पहला क्वेश्चन तो हम देख लिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड। देखिए क्वेश्चन और देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट से, ये क्वेश्चन एयरफोर्स 2013 में पूछ चुका है। ऐसा ही सब नॉर्मल सा क्वेश्चंस पूछता है, जो कि हम डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चंस और लिखेंगे, 6.4×10⁻¹, 6.4×10⁻¹ कूलाम के आवेश, यानी ये यानी आपका क्वेश्चन से 6.4×10⁻¹ कूलाम के आवेश पर 2×10⁻¹ न्यूटन का बल लगाया जाता है, यानी 6.4×10⁻¹ कूलाम के आवेश पर 2×10⁻¹ न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र के मान क्या होगा। यह क्वेश्चन AIF यानी एयर फोर्स 2015 का क्वेश्चन से, ये भी एक इंपॉर्टेंट से। तो देखिए यहां पर सबसे पहले यहां पर लिखेंगे दिया गया है, अब क्या क्या दिया गया है, यानी इतना कूलम, यानी कूलम दिया है, यानी आवेश का वैल्यू दिया है, यानी Q बराबर कितना दिया है 6.4×10⁻¹, और यहाँ पर न्यूटन लगा हुआ थे, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स का वैल्यू दिया है, यानी F का वैल्यू दिया है, तो F बराबर क्या हो दिया है 2×10⁻¹। और उसके बाद यहाँ पर Q का वैल्यू दे दिया है, F का वैल्यू दे दिया है, तो यानी F E का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, E बराबर हुआ 8, क्योंकि E बराबर जानते हैं कितना होता है F/Q0। और देखिए यहाँ पर F का वैल्यू कितना दिया है 2×10⁻¹, और यहाँ पर Q का वैल्यू कितना दिया है 6.4×10⁻¹, इतना दिया है। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁴ अब बटा क्या हो जाएगा 3.2×10⁻¹, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, 10⁴ गुणे इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, अब बटा 3.2, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा, यानी 10⁸ बटा क्या हो जाएगा 3.2। और इसको इस तरह भी ले जा सकते हैं, यानी 10×10⁻¹ बटा क्या हो जाएगा 3.2। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, इसको कैंसिल करके
यानी आपका आंसर हो जाएगा इतना। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, छोटा छोटा सा क्वेश्चन रहता है नॉर्मल सा। अब देखिए यहाँ तक के क्वेश्चन को हम देख लिए और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड। देखिए यहां पर तिसर्गा क्वेश्चन है। तिसर्गा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी धातु की सतह पर 5 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया जाता है और उन आवेशों से 5 मीटर की दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन से, यदि किसी धातु के सतह पर यदि किसी धातु की सतह पर 5 माइक्रो कूलाम के आवेश दिया जाता है, यदि किसी धातु के सतह पर 5 माइक्रो कूलाम के आवेश दिया जाता है और उन आवेशों से 5 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता ज्ञात करें। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन से, यदि किसी धातु के सतह पर 5 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया जाता है और उन आवेशों से 5 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या है ज्ञात करें। अब देखिए यहां पर मान लेते हैं यहां पर 5 माइक्रो कूलाम का आवेश और इस 5 माइक्रो कूलाम से कितना दूरी पर 5 सेंटीमीटर का दूरी पर, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर है और यहां पर पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, अब देखिए यहां पर हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन बाई, क्या लिखेंगे, दिया गया है। अब क्या क्या दिया गया है, यानी Q का मान कितना दिया है, Q का मान दिया है आपका 5 माइक्रो कूलम और 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है 10^-6। तो 5 माइक्रो कूलम बराबर क्या हो जाएगा 5×10^ क्या हो जाएगा -6 कूलम और यहां पर दूरी का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी R का वैल्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर 5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे, तो यानी 5/100 क्या हो जाएगा 100। और देखिए यहां पर 5 और 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10^2 लिख सकते हैं, यानी 10×10 इस तरह लिख सकते हैं और इसको 5/10^2 भी लिख सकते हैं और इसको 5×, इसको 10^2 को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 10^-2 क्या हो जाएगा मीटर, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अब फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर K³ क्या होता है R² इतना होता है और K का वैल्यू क्या होता है 9×10^9 यानी 9×10^9 और यहाँ पर Q का वैल्यू कितना दिया है 5×10^-6 5×10^-6 और यहाँ पर दूरी का वैल्यू कितना दिया है 5×10^-2 यानी 5×10^-2 के होल स्क्वायर इतना दिया है। अब देखिए इसको हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अब 9 में आप 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9×45 और गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 10^9 और 10^3 तो क्या हो जाएगा 10^6 में से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10^3 बचेगा और बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 और गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 10^-4 इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैलकुलेशंस कैसे करते हैं और 10^-4 माइनस में हो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 45×10^3 अब बटा में क्या हो जाएगा 25 और इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 10^4
अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 45 गुणे और 10 के पावर 3 और 10 के पावर 4 क्या हो जाएगा 10 के पावर 7 अब बटा क्या हो जाएगा 25 और इसको हम कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 50 25 एक मरते में 25 हो गया और यहाँ पर 20 बचा और 20 दहा के 200 यानी 25 चौका 100 यानी 1.8 गुणे 10 के पावर 7 इतना हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम, क्या होता है न्यूटन पर कूलम। और इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरह सॉल्यूशंस कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे वेक्टर फ्रॉम आइडेंटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्टेंस आर एट पॉइंट चार्ज फ्रॉम वेक्टर फ्रॉम्स, इसको विद्युत क्षेत्र यदि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हम वेक्टर फ्रॉम में कैसे निकालते हैं। यह आज के लेक्चर्स में इतना ही रहने देते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इस टॉपिक्स को यानी वेक्टर फ्रॉम के टॉपिक्स को हम डील करेंगे। ये वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।